able to hear me? Yes, sir. लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था हमने? यहाँ पे रेंज निकाली सबने, इसकी सब होमवर्क किया? Yes, sir. चलो बताओ फिर फटाफट आंसर. फर्स्ट का आंसर 1/13 to 1/3 सबका यही है क्या? जल्दी फटाफट एंटर करो यार बच्चों, वैसे तो लिखे. Yes, sir. हाँ ठीक, 1/13 to 1/3 कोई डाउट नहीं है. सेकंड का आंसर -1 to -1 क्लोज या ओपन? क्लोज्ड. ओके लेट मी चेक इट. थर्ड वाला मेरे को चेक करना है. -1 to -1 फोर्थ का बोलो -3/4 to 1/4 बोल रहे हो. ओके एक सेकंड रुको. -1 सही है इसका. और क्या बोल रहे थे वापस बोलना? -3/4 to 1/4. यस सर. ओके एनीवे फर्स्ट लास्ट पार्ट का तो मैं चेक करूंगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? थर्ड वाला सर. थर्ड वाला देखो, 16 sin² x + 1 ये 0 से 16 इसकी रेंज है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 1 से 17. फिर लॉग रूट टू लूंगा, तो लॉग रूट टू के लिए रेंज हो जाएगी लॉग रूट टू 1 से log√2 17. तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 log 2 17. फिर माइनस करूंगा तो रेंज हो जाएगी -2 log 17 to 0. फिर +2 करूंगा, +2 - x और ये सब, सो हो जाएगा 2 - 2 log 17 2 से 2. अब ये अगर मैं कैपिटल वाई बोल दूं तो मुझे लॉग वाई की रेंज निकालनी है, और सबको पता चल रहा है ये वाला पार्ट नेगेटिव है, करेक्ट? आया ना? यस सर. तो लॉग इसको चेंज करके क्या कर देगा? 0 कर देगा, और फिर ये वाई की रेंज हो जाएगी, तो लॉग वाई की रेंज हो जाएगी -∞ से 1. आई होप कोई डाउट नहीं है. फोर्थ पार्ट में डाउट है या सबका आंसर आ गया है? फोर्थ पार्ट आ गया सर. आ गया ठीक है. फिर चलो आगे बढ़ते हैं. फिर थर्ड लिखो. अब एक नया फंक्शन बढ़ाता हूँ. आई टी है. हेडिंग लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ITF स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे. ओके लिखना बंद करो आप. इधर देखो, जैसे एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ. f(x) इज लेट्स से x square.
So like, let's say for x equals to 1, it gives us 1. X equals to 2, it gives us 4. X equals to 4, it gives us 16. तो एक तरीके से इसका roughly मैं relation या mapping बनाऊं, यहाँ पे input लिख रहा हूँ, यहाँ पे output लिख रहा हूँ. तो ये 1, 2, 4 को 1, 4, 16 से relate कर रहा है. Am I correct in saying that? क्या सबको ओके है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ये देखो ये x ये y y is equals to f of x. I hope ये यही चीज को मैं ऐसे डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना. Yes. हाँ भाई. So एक फंक्शन जो रिवर्स काम करे, जो 16 को 4 से रिलेट करे, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? कम ऑन. इनवर्स फंक्शन. तो सबसे पहले चीज f के ऊपर माइनस वन लिखते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता है कि इट इज 1 बाय f of x. ये रेस टू पावर माइनस वन इज अ सिंबल, नॉट रेस टू पावर माइनस वन. ये तो सिंबल है, इसको रेस टू पावर माइनस वन की तरह ट्रीट नहीं करोगे. इज दैट क्लियर? यस सर. तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये लिखना भी गलत है. अगर तुम सोचो मैं फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि इनपुट यहाँ पे x वेरिएबल है और आउटपुट y है. कम ऑन, एग्री करो? यस सर. हाँ भाई. यस सर. इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट कौन है? कम ऑन, ये सारी वैल्यूज एग्री करो. यस. हाँ भाई. तो इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट कैन आई से सारी y वैल्यूज है? यस सर. और इनवर्स फंक्शन का आउटपुट x, ये सब है? कम ऑन, x. तो देयरफॉर इनवर्स फंक्शन को लिखना चाहिए x इक्वल्स टू f इनवर्स y, वेयर y इक्वल टू f ऑफ x. साउंड्स गुड यहां तक? यस सर. यस सर. मुझे एक चीज पूरा क्लियर करो कि ये x और ये x सेम है क्या? नो सर. नो सर. आर दी सेम और आर दीस डिफरेंट? सोच के बोला, सोचो और फिर बोलो. क्या ये x और ये x सेम है? यस सेम है. इसलिए तो बोल रहा हूं मैं बार बार कि यहाँ पे x है, वो इसका आउटपुट बन रहा है. कम ऑन. यस यस सर. ये आउटपुट हो गया है और ये इसका इनपुट हो गया है. करेक्ट. यही तो है इनवर्स की डेफिनेशन. हाय ना. यस यस सर. टू समराइज अगेन, इनवर्स इज अ फंक्शन व्हिच रिवर्सेस अप. तो जो पहले आउटपुट था 1 4 16, वो अब क्या हो चुका है? इनपुट. और जो पहले इनपुट था 1 2 4, वो क्या हो चुका है? आउटपुट. तो अ फंक्शन व्हिच डज दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. यहां तक क्लियर? यस सर. यस सर. तो इनवर्स के लिए हमने एक अच्छा रिलेशन देख लिया है. क्या देखना? डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन कैन आई से एक्स वैल्यूज है? यस सर. जल्दी से ओके करो. यस सर. हां ना. यस सर. And that is same as what for inverse function? Y values. Y. Range. Come on, domain of the function is same as range of the inverse function. Correct now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Or range of the function is same as? Domain of inverse function. Domain of inverse function. Yahan tak copy karo ek bar.
Done? Everyone done? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. ओके तो अब हम ITF की बात कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, दूसरा अपना आप समझ में आ जाएगा. तो अगर मैं फंक्शन मानूं y इक्वल टू साइन ऑफ x, उसका इनवर्स फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, अभी सिखाया. x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, आउटपुट हो जाता है करेक्ट, और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स करेक्ट. यस सर. यस, तो y इक्वल टू साइन x का इनवर्स हो गया x इक्वल टू साइन इनवर्स y. ओके देन अगर अब मैं बात करूं जैसे कुछ एग्जांपल समझने के लिए, हम सबको पता है y इक्वल टू साइन ऑफ 5 बाय 6 लिखते हैं तो उसका आउटपुट हाफ होता है करेक्ट. यस सर. मतलब इनवर्स में क्या लिखेंगे, एक तरीके से ये उसका x है कमा. यस सर. 5 बाय 6 इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होगा, कम ऑन, 1 बाय 2 हाफ. तो ये तुम यहाँ से देख के इसको तो लिख पा रहे हो, बट अब डायरेक्टली लिखना भी आना चाहिए. कमांड साइन इनवर्स हाफ 5 बाय 6 होता है, दिमाग में उल्टा कर लेना करेक्ट. यस सर. जैसे अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2, क्या आंसर है, 5 बाय 3. 5 बाय 3. और पूछता हूँ कॉस इनवर्स हाफ, क्या आंसर है, 5 बाय 3. कॉस इनवर्स 1, क्या आंसर है, 0. कॉस इनवर्स 0, क्या आंसर है, 5 बाय 2. cos 5 by 2 0 होता है ना बच्चों. यस सर. यस सर. tan इनवर्स √3, क्या आंसर है, 5 by 3. 5 by 3. tan इनवर्स 1, क्या आंसर है, 5 by 4. 5 by 3. सो ये सब जो आउटपुट है, ये सब कम ऑन इनवर्स का आउटपुट है, जल्दी से एग्री करो. यस सर. इनवर्स का आउटपुट मतलब इनवर्स के रेंज पे डिपेंड करेगा करेक्ट ना. हाय ना. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इनवर्स की रेंज के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर के एंड में वापस आएगा क्योंकि उसके लिए इनवर्स के ग्राफ आने चाहिए. बट तुम्हें अभी यही समझना है बस, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, सॉरी रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ, बट डोमेन ऑफ एफ हम याद करेंगे अभी प्रिंसिपल एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा. ये क्यों होगा अभी नहीं समझेंगे इसको, इसका रीजन लेटर ऑन देखेंगे, बट ये सोचना क्यों है, देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव एंगल्स पूछूं साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो यहाँ पे जो भी एंगल आना चाहिए वो अल्फा फॉर साइन थीटा कितना होता है, माइनस 5/2 से 5/2 करेक्ट ना. यस सर. यस सर. तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए. ध्यान से देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों कवर हो गए हैं, कम ऑन. यस सर. यस सर. तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारी कवर हो जाएगी ना वैल्यूज. यस सर. हां, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ का क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बोलो. माइनस माइनस 5/6. आर यू ओके? यस सर. यस सर. जैसे अगर मैं पूछूं अब टेन इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस 5/3 माइनस 5/3 टेन इनवर्स माइनस 1 माइनस 5/4 माइनस 5/4 कॉस इनवर्स माइनस हाफ 1 अल्फा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, याद है? यस सर. यस सर. यस सर. टेन क्वाड्रेंट का आंसर होगा ना. यस सर. यस सर. क्या आंसर हो जाएगा, पाई माइनस 5/3 इज 2π/3. क्लियर यहां तक बच्चों? यस सर. यस सर. चलो कुछ एग्जांपल्स कॉपी कर लो जल्दी से, व्हाटएवर यू विश.
यस हो गया सबका कॉपी एवरीवन यस यस सर चलो अब नेक्स्ट चीज इसमें प्रैक्टिस करते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स अच्छा मैंने एक चीज लिखा दी है बट एक बार वापस लिख देते हैं चलो उधर आई डोंट थिंक तुमने लिखा था रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज बट आई होप ऑल ऑफ यू रियलाइज इसका मतलब तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स शुड बी सेम एज डोमेन ऑफ साइन एंड डोमेन ऑफ साइन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है करेक्ट और नॉट यस यस हाँ ना बट क्या उसमें प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम को अभी समझ नहीं सकते इसलिए मैंने बोल दिया कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कि अल्फा ऑफ द फंक्शन अल्फा ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हमारे लिए ये नहीं होगा क्या होगा अल्फा फॉर साइन वो कितना है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्या ये सबको क्लियर है इसका रीजन मैं यहाँ लिख भी दो लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर इसके लिए क्या दो तीन कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे यू नहीं कि मैं पांच मिनट बता सकता हूँ दो तीन कंसेप्ट पढ़ के ही समझ में आएगा सबको ये क्लियर है पॉइंट yes. yes, तो अभी के लिए क्या बोलोगे रेंज ऑफ आई टी एफ is same as alpha for trigonometric function. Simple enough, everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखना बंद करो एक साथ लिख देना बट डोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन ऑफ द इनवर्स इज सेम एज कम ऑन रेंज बहुत कम करते हो यार वापस बोलो डोमेन ऑफ द इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ द फंक्शन सो देयरफॉर मेरे लिए टेबल फिल कर दो जल्दी से डोमेन ऑफ व्हाट साइन इनवर्स कितना होता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स बोल दो रेंज ऑफ साइन माइनस वन टू वन करेक्ट और नॉट डोमेन ऑफ साइन इनवर्स सेम एज रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखो डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज माइनस वन टू वन कॉस इनवर्स के लिए tan इनवर्स के लिए डोमेन ऑफ tan इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ tan व्हाट इज रेंज ऑफ tan माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी cot इनवर्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी cosec इनवर्स व्हाट इज रेंज ऑफ cosec माइनस 1 टू 0 नॉट इंक्लूडेड 1 टू 0 करेक्ट है एवरीवन यस ओके अब एक लास्ट चीज सुन लो फिर कॉपी करना तुम सबको याद है अभी मैंने बोला था कि अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स लिखूं तो मैं उसके साथ साथ x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखता हूं करेक्ट और नॉट यस यस सर क्या बोला था मैंने ये x और ये x सेम है या अलग अलग है सेम है सेम है मतलब हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कैन आई से लाइक दैट कि स्पेशली ध्यान रखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स लिख रहे हैं तो फिर ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स के अंदर y आना चाहिए और बाहर x आना चाहिए ध्यान रखना चाहिए ना yes, sir. ना क्यों ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे जो x है वो x की जगह पे रहे जो y है वो y की जगह पे रहे देयर शुड बी नो कंफ्यूजन दैट्स व्हाई वी डू दैट बट अगर हम सिर्फ साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं साइन नहीं लिख रहे क्योंकि साइन लिख रहे हैं तो फिर बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा बट अगर सिर्फ इनवर्स लिख रहे हैं तो इनवर्स भी तो एक फंक्शन ही है ना एवरीवन है तो एक फंक्शन हाँ ना यस यस सर यस सर और इनवर्स कोई भी एक सॉरी इनवर्स छोड़ो कोई भी एक फंक्शन का इनपुट हम किस वेरिएबल से प्रेफर करते हैं इनपुट किस वेरिएबल से एक्स से और आउटपुट किससे पसंद करते हैं वाई ताकि दिमाग में कोई थॉट नहीं आए तो हम ये लिखना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू दिस जल्दी से एग्री करो यस यस सर यस सर तो क्या समझाया मैंने कि जब साइन और साइन इनवर्स दोनों लिखोगे तब स्पेशली ध्यान रखोगे क्या लिख रहे हो एक्स और वाई बट सिर्फ इनवर्स की बात कर रहे हो तो मैं इनपुट को एक्स बोल दूंगा समझ जाओगे यस यस सर यस यस क्या ये एक्स और ये एक्स सेम है क्या नो नो सर नहीं है ये एक्स तो एक्चुअली कौन है कम ऑन सर इसका वाई है यस और नो यस सर यस सर वापस लास्ट टाइम बोल रहा हूं अगर हम सिर्फ इनवर्स की बात करते हैं तो उसको एज इन फंक्शन की तरह लिख रहे हैं एज इन फंक्शन की तरह लिख रहे हैं तो उसका इनपुट हम एक्स से पसंद करते हैं इसलिए अब मैं ऐसा लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स की डोमेन इज माइनस वन टू वन विल यू बी कंफर्टेबल यस सर कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन माइनस वन टू वन टेन इनवर्स एक्स की डोमेन कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन
है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन एंड सेक इनवर्स एक्स की डोमेन. ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल एवरीवन? यस सर. यस सर. चलो कॉपी करो फिर बात करते हैं. Yes, everyone done? Sir, 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 नीचे करिए. Okay, copy कर ले आराम से उठे. Yes, everyone copied? Yes, sir. Sin inverse x के डोमेन बोलो क्या होती है? Minus one to one. Minus one to one. डोमेन का क्या मतलब होता है? ये sin inverse x तो लिखते हो x belongs to minus one to one तभी defined है, यही बोलते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं sin inverse 1.2 बोलूं तो उसका क्या आंसर है? Defined, not defined. Not defined. जैसे साइन इनवर्स 0.5 तो हाफ होता है, सॉरी 5/6 होता है, करेक्ट और नॉट? यस सर. यस सर. यस. चलो एक मिनट. Yes.
cos inverse of defined, not defined? Defined. Defined. Y by 3. Cos inverse 1.7. So not defined. Not defined. So मतलब यही बोलना चाहता है ना कि inverse के अंदर जो भी चीज है वो minus 1 to 1 होनी चाहिए? Yes, sir. अगर मैं पूछूं कि find the values of x for which this function is defined. क्या बोला मैंने? Find x for which this is defined. तो क्या answer है? X belongs to minus 1 to 1? Yes. मैं जो पूछ रहा हूं उतना बोल. क्या इसका answer x belongs to minus 1 to 1 है या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं. उसका आंसर क्या है? ये पूरा माइनस वन टू वन के बीच में होना चाहिए. करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर. उसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो. चलो स्टार्ट. सेकंड करो जल्दी. Anybody can. Okay.
Yes, last minute, both parts. Done, sir. Last 30 seconds. Okay. Second part answer. Bolo. -3 to -2. -2 open interval. -3 to -2 open. Correct. Yes, sir. Yes, sir. Is there a doubt? No, sir. Anybody? -2 open. Kyun hoga? Denominator. Right. Sorry. Okay, third part answer. 2 to 3. Two close to three. Open. 2 close to 3 open. Ho gaya sabka? So, yes, sir. Part, f of x equals to two raised to power sine inverse x plus under root of x plus 2 plus 1 upon log of 10 x plus 1. ये वाला अगर निकालो जल्दी से. डोमेन निकाल लिया ना. यस सेम सेम. फाइंड द डोमेन ओनली. ऊपर वाले का तो जल्दी से आंसर कराओ. क्लियर हो गया.
बच्चों ये क्वेश्चन करो, मुझे 5 मिनट लगेंगे, ये थोड़ा सा कुछ सोसाइटी के कुछ इश्यू है, तो 5 मिनट तुम करो, मैं आ रहा हूँ. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस डी पार्ट? -1 to 0 -1 to 0 -1 open say 1 closed except 0 correct hai everyone? Yes sir. Kisi ko doubt d part mein se batao iske yahan se disturbance hai mute rakho iske karan domain -1 to 1 iske karan x is greater than -2 iske karan कि लॉग का डिनोमिनेट लॉग का डोमेन तो यही है एक्स इज ग्रेटर देन -1 देख पहले एट द सेम टाइम ये जीरो नहीं होना चाहिए मतलब एक्स प्लस वन वन नहीं होना चाहिए मतलब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए करेक्ट बच्चे सबका इंटरसेक्शन -1 ओपन से 1 क्लोज एक्सेप्ट 0 क्लियर यस सर देन ये वाला क्वेश्चन किया सबने हाँ सर किसी से हुआ यस सर क्या आंसर सर बता माइनस इनफिनिटी से लेके -3 -0.5 नहीं और कोई -3 और 0 -3 और 0 वेरी गुड दिशा और कौन दिशा ने चैट पे लिखा और लड़की कौन बोल रहे थे विनायक और यश 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 गुड तो यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में मैंने लकी डोमेन की बात करी थी सबको याद है यस सर यस सर ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का है तो देखो इस क्वेश्चन का डोमेन निकाल रहे हैं डोमेन का ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली तो डोमेन निकाल रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से तो आया x into x plus 3 is greater than equal to 0 करेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ बट जब जरूरत पड़ेगी तब करूंगा यार अभी मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो फिर इनवर्स के कारण तो ऑल रियल वैल्यूज होती है तो ये तो काम खत्म हो गया फिर इस अंडर रूट के कारण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन -1 कम ऑन बताओ इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है दोनों के इंटरसेक्शन के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी बस ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही है ध्यान से देख रहे हो आई होप यस सर दोनों के इंटरसेक्शन के कारण सिर्फ किसको सॉल्व करना चाहिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करना चाहिए यहाँ तक क्लियर है सबको यस सर यार बच्चे क्या दिमाग नहीं लगा रहे हो या जवाब नहीं दे रहे हो क्या है ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 वो बोल रहा है ग्रेटर देन -1 तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये हो जाएगा ना हाँ सर आया ना यस सर ओके नेक्स्ट इनवर्स तो हो गया सेक इनवर्स के कारण This has to be greater than 1, correct? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि less than -1 तो हो नहीं सकता. Cross multiply किया, this is less than equal to 1. Square कर दिया, x square plus 3x plus 1 is less than 1. और x square plus 3x is less than equal to 0 देखो. तो ये first और second. First बोल रहा है greater than 0, second बोल रहा है less than 0 और दोनों का intersection लेना है, correct or not? Yes, sir. Yes. So first and second का intersection बोल रहा है कि domain के लिए x square plus 3x को exactly equal to 0 होना है मतलब domain में कोई interval नहीं है domain सिर्फ दो values है क्या ये सबको clear है Yes, sir. domain में सिर्फ 0 और -3 है यहाँ तक clear है सबको Yes, sir. तो अगर मैं इसका question का b part बोल दूँ कि find the range of this function मतलब क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ रेंज का था तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये लकी डोमेन हो गया है नाउ डू यू अंडरस्टैंड लकी डोमेन यस सर क्या मतलब है लकी डोमेन का कि रेंज का क्वेश्चन हुआ बट हमने पहले डोमेन निकाला और डोमेन में हम लकी हो गए कि सिर्फ एक या दो वैल्यूज है सो रेंज विल बी जस्ट एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ -3 इज दैट ओके एवरीवन यस सर एफ ऑफ 0 निकाल लो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ -3 निकाल लो आंसर आ जाएगा कंप्लीट करो जल्दी से इसको कंप्लीट
कॉपी हो गया पूरा? यस एवरीवन, हैव यू कॉपीड? यस सर. आई एम प्रोसीडिंग फर्दर नाउ. फिर कुछ बच्चों ने क्या ये क्वेश्चन चालू किया था या नहीं किया था? नहीं किया था? नो सर. ठीक है, तो अब इसको होमवर्क की तरह करना. ये भी लकी डोमेन का क्वेश्चन है. मतलब मैं क्वेश्चन में अगर रेंज भी कर दूं तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? जल्दी बोलो. डोमेन. ये लेटर ऑन डू इट इन योर फ्री टाइम. क्लियर? यस सर. आगे बढ़ो. यस सर. थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम कर रहे थे, फिर रिमेम्बर बड़ा वाला चार्ट याद है सबको? Yes, तो अब हम करेंगे पीसवाइज फंक्शंस. पीसवाइज फंक्शंस, या इसमें सबसे पहले वापस पीसवाइज फंक्शन मतलब याद है? इस टाइप का होता है, मैंने बताया था. तो सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ा हुआ है कॉल्ड एज मॉडुलस फंक्शन. That is the piecewise which we already know. So y equal to mod x is equals to plus के साथ open होता है if x is greater than zero, minus के साथ open होता है if x is less than zero. Directly question करो. Copy करके, come on. Find domain. A part. F of x equals to sine inverse mod of x minus 1 minus 2. करो जल्दी से. पहले फर्स्ट पार्ट करो, फिर दूसरा पार्ट भी देता हूं.
हाँ भाई तक तो हो गया, चलो गुड। ओके मॉड एक्स माइनस वन माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, सो मॉड एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू वन से थ्री। बहुत बच्चे इसके बाद अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, करते हैं जो करना नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी चैप्टर में सीख रखा है। कैसे प्रोसीड करें इसके आगे एवरीवन? दो केस लेके x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इट इज ग्रेटर देन वन एंड इट इज लेस देन थ्री, करेक्ट ना? यस यस। हाँ भाई एंड का मतलब यूनियन लूंगा या इंटरसेक्शन लूंगा? इंटरसेक्शन। अच्छा इसका आंसर क्या होता है इनइक्वालिटी चैप्टर से? x माइनस वन बिलोंग्स टू, बोलो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू फोर का क्या आंसर होता था, ये याद करके बताओ। सर टू से माइनस टू से टू, माइनस फोर से फोर, करेक्ट ना? हाँ वैसे ही यहाँ थ्री के कारण क्या हो जाएगा माइनस थ्री से थ्री, तो यहाँ पे माइनस टू से फोर हो गया। एवरीवन कंफर्टेबल यहाँ तक? यस सर। यस मॉड एक्स ग्रेटर देन फोर का क्या आंसर करते थे बताओ उस चैप्टर में? माइनस इनफिनिटी टू माइनस फोर यूनियन फोर टू आउटर इंटरवल, इस केस में आंसर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस यस सर। बस यहाँ पे भी हो जाएंगे एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी, सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से जीरो यूनियन टू से इनफिनिटी। दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो जल्दी से देखो। अच्छा माइनस टू से जीरो, ओके ये तो आएगा आएगा माइनस टू से जीरो, यूनियन क्या आ जाएगा टू से फोर। टू से फोर, कॉपी फास्ट फाइव सेकंड्स। एनी डाउट आस्क? मैंने डायरेक्टली जो मॉड जब ओपन कर लिया तब एक और इंटरवल ले लिया माइनस थ्री से माइनस वन। बिल्कुल ओके। ओके सर बिल्कुल ओके। आगे बढ़े एवरीवन? यस यस। ये वाला पार्ट करो। ये वाला ही करो अभी, ये वाला ही करो।
कुछ हो रहा है बच्चों? यस सर, एक मिनट। लास्ट क्लास में मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि डायरेक्टली मत करा करो, जैसे ये तो ठीक है ट्रिगो इक्वेशन है बट उसके जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें, हमें वही चाहिए जो इसके साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे। करेक्ट एवरीवन? क्या समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में कॉस एक्स ये वाला कहां से कहां तक है बस ये देखना है। कम ऑन, वन मिनट और, वन और टू मिनट्स बस। आयुष सही नहीं आंसर, ये मैं बताऊं या करना चाहते हो तुम? बोलो जल्दी। और शुड आई टेल और शुडंट आई एवरीवन? यहां तक तो सर टू मिनट्स आगे नहीं मिल रहा। टू मिनट्स और, चलो करो। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। क्या ये सबको समझ में आ गया कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में देखना है कि कॉस एक्स कब माइनस हाफ से हाफ है? करेक्ट और नॉट? यस यस सर। तो फिर जल्दी करो।
Enough time. आप डिस्कस कर रहे हैं, हेल्प मी आउट, क्या करूं बताओ? सबसे पहले आप प्रोसेस का ग्राफ तो ऑब्वियस है, बस किसके बीच में देखना है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये रहा माइनस पाई बाय टू, ये रहा पाई बाय टू. कहां से कहां तक देखना है कि कॉसेक्स की वैल्यू कहां तक, हाफ तक इंपॉर्टेंट है ना बस. Yes, sir. Yes, sir. तो वहाँ पूरा शेड कर दो. बाकी सब से भी पूछ रहा हूँ, क्या ये वाला वैल्यू cos x की माइनस हाफ से हाफ के बीच में है ना? Yes, sir. सब बच्चों को लाउड वॉइस में बोलो, शेड करूँ या नहीं करूँ फिर? सब करना है. बिल्कुल करना है. कहाँ तक करना है, और करता रहूँ या स्टॉप हो जाऊँ? स्टॉप. और फिर वापस यहाँ से चालू करेंगे ऑब्वियसली ना? Yes, sir. बस यहीं तक देखना है. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू क्लोज्ड. यस, क्योंकि ये क्लोज्ड है. माइनस फाइव बाई टू से माइनस फाइव बाई थ्री ओपन, क्योंकि ये ओपन है. यूनियन फाइव बाई थ्री से फाइव बाई टू क्लोज. क्लियर है सबको? यस सर. जल्दी से कॉपी करो, और कोई डाउट तो लेट मी नो. सबका हो गया कॉपी? तो आई हैव टू टेल समथिंग, हो गया? यस सर. यस सर. ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर में आप सबको थोड़ा सा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ्स के बारे में बताया गया होगा, कुछ याद है? हाँ सर. मतलब ग्राफ इनइक्वालिटीज और ग्राफ्स बताए होंगे ना, कि ये दो ग्राफ है, फिर एक और ग्राफ बनाओ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और वो सब. yes, याद है कुछ? yes, sir. वो पोर्शन को अच्छी तरह रिवाइज करके आना. क्लियर? Yes, sir. That's it for today. चलो बच्चों, bye bye. Bye sir, thank you. Thank you sir. Bye bye बच्चों, आज disturbance काफी हुआ, next time और